हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का एसएससी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 11 कैलोरीमेट्री चल रहा है इन फिजिक्स, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5th तक सॉल्व कर लिया है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर 11A का क्वेश्चन नंबर 6 देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विज़िट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, अब भी हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, फाइंड द टाइम टेकन बाई 500 वॉट हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 केजी ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 960 जूल पर केजी पर केल्विन फ्रॉम 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या कि भाई हमारे पास जो हीटर है उसका पावर कितना है, दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू 500 वॉट। ठीक है, एंड आगे कह रहा कि जो मास है मटेरियल का 50 केजी है, तो मास को हम लोग एमलेट करते हैं, ये हो गया हम लोगों का 50 केजी। ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा 960, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है सी, जिसको दिया गया 960 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, फ्रॉम 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे देखो चेंज इन टेम्परेचर दिया है, लास्ट क्लास जिसने भी देखा होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी गिवेन है वो समझ रहा है कि क्या क्या चीज़ें गिवेन है। वहाँ पे हमने क्या किया, अच्छे से इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, विद सिम्बल सिर्फ जो भी चीज़ें गिवेन है उनको लिखते चल रहे हैं। ठीक है, जैसे अब बात करें कि टेम्परेचर की बात कर रहा है कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा, तो यहाँ पे हम लोगों की अगर बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा कि भाई 38 हो रहा 18 से, तो हम 38 से 18 को माइनस कर देंगे, जिससे हमारा आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे कह रहा, अज्यूम दैट ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड बाई हीटर इज़ गिवन टू द मटेरियल। अब यहाँ पे कह रहा कि भाई जो भी एनर्जी सप्लाई करता है हीटर, वो सारा जो एनर्जी है वो मटेरियल तक पहुँचता है। इसके कहने का मतलब ये है, कोई भी एनर्जी बीच में लॉस नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग आ जाएँ क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले देखो एक हमारे पास फार्मूला होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर हीट एनर्जी कर लो, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड को हम लोग क्यू से डेनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे एम सी डेल्टा टी आ गया, ये हम लोगों का क्या, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब अगर एक चीज़ और, एक फॉर्मूला हम और देखें कि भाई टाइम टेकन दैट मीन्स स्मॉल टी इज इक्वल टू होता है क्यू मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्यू बाई पावर। ठीक है, अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर लें कि भाई क्यू की जगह हम लोग एम सी डेल्टा टी रख लेते हैं और पावर तो हमारा ही है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा टाइम टेकन इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई पावर। क्लियर, अब जो ये जो डेल्टा टी लिखा हुआ ये वाला हमारा टेम्परेचर है, और जो ये टी लिखा हुआ ये हमारा टाइम टेकन है। ठीक है, वैल्यू पुट करो, टाइम हमको बताना है, तो टाइम इज इक्वल टू एम, दैट मींस मास गिवन है 50 केजी इनटू, उसके बाद आ जाओ सी मतलब होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 960। क्लियर, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना 20 डिवाइडेड बाई 500 हमारा क्या है, पावर है। ठीक है, तो इसको हम 500 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो कि एक ज़ीरो से ये ज़ीरो हमने कैंसिल कर लिया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर लिया। क्लियर, और 5 से ये कम्प्लीटली 5 कैंसिल हो गया है। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा, मीन्स टाइम टेकन इज इक्वल टू 960 × 2, तो हो गया 960 × 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 0 0 0, 2 6 12 एंड 2 9 18, 18 1 कितना हो जाएगा ये 19। क्लियर, ये इतना तो हमारा हो गया क्या, ये टाइम 9 2 16 है ना।
ठीक है। अब ये भी आया है टाइम किस में, सेकेंड में, क्लियर। अब तुम लोगों की बुक में क्या है कि ये मिनट में कन्वर्ट करके दिया गया, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, वन मिनट में जितने भी सेकेंड होते हैं। तो इन मिनट अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1920 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूँ, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ 6 से इसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 6 3 18 एंड 6, उसके बाद ये 1 बज गया, 12 हो गया, 6 2 12, ये हम लोगों का आ जाएगा 32 मिनट टाइम भी ये जो हीटर है वो लेगा इस मटेरियल के टेम्परेचर को 18 से 38 डिग्री तक ले जाने में, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 कम्प्लीट हो गया। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में या फिर इससे पहले के जो भी वीडियोस है, जितने भी क्लासेस हमने पढ़ाए, जहां भी, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट अपना डाउट मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जो भी अपना डाउट है, ठीक है। हम दोनों जगह रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वाट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ 4 kg ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन 100 सेकेंड, ठीक है। एक हमारे पास क्या है कि 600 वाट का हीटर है जो क्या कर रहा है, 4 kg जो मटेरियल है या फिर लिक्विड है उसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करता है 100 सेकंड में, क्लियर। अब कैलकुलेट करना है द हीट कैपेसिटी ऑफ 4.0 kg ऑफ लिक्विड। पहले हमको हीट कैपेसिटी फाइंड करना, सेकेंड पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना, क्लियर। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ें हैं ये हम नोट कर लेते हैं। पावर की बात कर रहा तो पावर इज इक्वल टू कितना, 600 वाट। फिर आ जाओ तो मास दे रखा है, मास कितना है 4 kg, 4.0 लिखा हुआ, 4.0 लिखो या ना लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ अगर ज़ीरो लिखा हो तब, ठीक है। देन उसके बाद दिया गया चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स डेल्टा टी कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री हो रहा है, तो 15 - 10 कर लेंगे, इसको कितना आ जाएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। और आगे टाइम दे रखा है, दैट मीन्स स्मॉल टी कितना है, 100 सेकेंड, क्लियर। ये इतनी चीज़ें गिवन है, बहुत सिमिलर ये लास्ट वाले क्वेश्चन से। अब सबसे पहले अगर हम लोग आ जाएं तो एक चीज़ देखो हमारे पास क्या क्या होता है कि टाइम की अगर बात करें, दैट मींस कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पावर हमारे पास कितना है, 600 इनटू टाइम कितना है, 100 सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा ये 60,000 जूल पावर आ जाएगा, सॉरी हीट एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो हीट एनर्जी दैट मीन्स क्यू हमारे पास आ गया है। आगे अगर हम लोग अब बात करें तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है कि भाई हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू mc∆t, फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पे m क्या है, मास है, c क्या है, ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एंड डेल्टा टी क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो c हमको फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यहाँ से c की अगर बात करेंगे तो जो m और डेल्टा टी है वो क्या होगा, q से आके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा q बाई कैपिटल T इसको लिखो, ठीक है। m∆t हम यहाँ पे फाइंड करते हैं अब आगे, तो C इज इक्वल टू, दैट मीन्स कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे हम लिख देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होता है, सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू कितना आ गया, 60,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 4 × 0 डिवाइडेड बाई m कितना है, m हमारे पास है 4 kg,
ठीक है, और इन टू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 5 4 20। जीरो से ज़ीरो कैंसिल कर लो, यहाँ से ये आ जाएगा, 2 से इसको हम 3 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा ये 3000। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज़ देखो कि इसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमेशा जो डेसिमल होता है वो 1 डिजिट पे रखना होता है। ठीक है, 1 डिजिट के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीरोस हैं, तो हम सिर्फ डेसिमल नहीं लगाएंगे, इसको सिर्फ 3 रखेंगे, क्योंकि 3 के बाद अगर 0 रखो या फिर 3 के सिर्फ 3 लिख दो तो कोई मतलब नहीं होता, उसका सेम बात होती है ना। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि 3 × 10³ जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर, ये तुम लोगों की बुक में आंसर दिया। अब आंसर 3000 जूल पर केजी पर केल्विन भी कर सकते हो, 3 × 10³ जूल पर केजी पर केल्विन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये हम लोगों का था सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं फर्स्ट पे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछ रहा है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ हीट कैपेसिटी पूछ रहा। तो अब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि ये होता है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C × मास। क्लियर, तो हमारे पास C कितना है 3000 है। क्लियर, इनटू मास कितना है 4 kg, इसको रख लो यहाँ पे। अब क्या करोगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12000। फिर से वही बात, मैंने कहा कि भाई हमको डेसिमल 1 डिजिट पे लाना। अब इसको भी रख सकते हो जूल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केल्विन ये भी आंसर रखा जा सकता है, या फिर इसको क्या करो कि पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 1 डिजिट पर डेसिमल हमको रखना, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1.2। ठीक है, आगे डेसिमल कितने प्लेस पे हम लेके आए, 1, 2, 3, 4 प्लेस पे लेके आए, तो × 10⁴ जूल पर केल्विन ये भी आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7th कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8th कह रहा, 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वैश एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर विच कैन रिमूव हीट एट एन एवरेज रेट ऑफ 30 joule per second। एक हमारे पास लेमन स्क्वैश है जो 0.5 kg, दैट मीन्स 0.5 kg है, उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जा रहा, फ्रिज में रखा जा रहा, और वो क्या कर रहा है कि एवरेज रेट जो उसका है हीट एनर्जी को रिमूव करने का, वो 30 जूल पर सेकंड वो हीट एनर्जी को रिमूव कर रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया था उसको हमको क्या करना, रिड्यूस करके या रिमूव करके हीट उसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्क्वैश इज 4200 joule per kg per second, पर केल्विन ये गिवेन है। ठीक है, तो अगर हम लोग गिवेन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, मास दिया हुआ है कितना है 0.5 kg, देन उसके बाद अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर तो ये हो जाएगा 30 - 5, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर वो चेंज होगा। ठीक है, आगे कह रहा कि जो एवरेज रेट है रिड्यूस होने का, एवरेज रेट ऑफ रिमूविंग हीट कितना है 30 joule per second, मतलब कि पर सेकंड जो फ्रिज है वो 30 जूल का हीट एनर्जी रिमूव कर रहा। ठीक है, आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है पहले से क्वेश्चन में 4200 joule। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। अब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड को फाइंड करेंगे कि कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव करने के लिए वो काम कर रहा, कौन, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको हम लोग क्यू से डेनोट करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है क्या, MC ΔT। क्लियर, अब हमारे पास M भी है,
तो यहाँ पे अब हम लोग फाइंड करेंगे भाई टोटल कितना एनर्जी रेफ्रिजरेटर को रिमूव करना है, ठीक है। तो टोटल वही एनर्जी जो हम फाइंड करेंगे, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। आगे अब बात करें तो वैल्यू रखूँ, एम दिया गया 0.5 इंटू सी हमारे पास कितना है 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 25, क्लियर। इसको सॉल्व करूँ तो ये हम लोगों का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ से अगर हम लोग डेसिमल को हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो इसका ये हट जाएगा, है ना। बचेगा हम लोगों का 5, या फिर 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 0 0, 5 2 10 का 0, 5 4 20 और 1 21 हो जाएगा इंटू 25। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 इंटू 21 फाइव ज़ा होता 105, कैरी 10 हो जाएगा, और 21 2 ज़ा 42, 42 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52 और आगे 00, है ना, 52,500 जूल। इतना एनर्जी रिक्वायर होगा हमको रिमूव करना, मतलब हमको इतना एनर्जी उसमें से रिमूव करना है, क्लियर। किससे? उस लेमन स्क्वायर से फ्रिज को इतना एनर्जी अब रिमूव करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग बात करें तो पूछा क्या है कि टाइम पूछा है ना, तो टाइम टेकन बाय रेफ्रिजरेटर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई टोटल जो टाइम लेना, उसको टाइम कितना लेगा कि जितना एनर्जी है, ठीक है, जितना एनर्जी उसको रिमूव करना और जितने जितना वो पर सेकंड रिमूव कर रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है, या फिर कह सकते हो कि लिखो भाई टोटल एनर्जी बाई पर सेकेंड एनर्जी रिमूव्ड, ये लिख सकते हो यहाँ पर सेकेंड एनर्जी रिमूव्ड, क्लियर। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितना, 52,500 डिवाइडेड बाय 30, क्लियर। पर सेकंड वो कितना रिमूव कर रहा है, 30 जूल। ज़ीरो से ज़ीरो हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये आ जाएगा हम लोगों का 3 1 3, यहाँ से कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 22 हो गया, 3 7 जा 21, फिर उसके बाद 1 बचेगा, 15 हो गया, 3 5 जा 15 और आगे एक 0 बचा हुआ। इतने सेकंड टोटल लगेंगे 52,500 जूल एनर्जी को रिमूव करने में, ठीक है। अब अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लें तो हमको क्या करना है, 60 से डिवाइड कर लेना, इन मिनट करो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1750 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 और 5 55 हो गया, और 6 9 ज़ा 54 होता है, बचेगा कितना, अब 1 बच जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब 1/6 को भी अगर हम लोग मिनट में चेंज करें तो टोटल हमारे पास कितना पार्ट है, 6 पार्ट है, है ना। तो 60 मिनट होता है, या फिर कह सकते हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, है ना, और उसका 1 पार्ट क्या हो जाएगा, हाँ 1 पार्ट कितना हो जाएगा फिर, 10 मिनट, है ना। अगर 6 पार्ट में 60 मिनट है तो 1 पार्ट में कितना हो जाएगा, 10 मिनट, टोटल मिनट हमारा है, तो उसको हम क्या करेंगे कि 1/6 को जो है ये हो जाएगा 10 सेकेंड होगा, ठीक है, 29 मिनट 10 सेकेंड। इस चीज़ को समझो कि भाई अगर बात करें 1/60 सेकेंड है, क्लियर। तो टोटल हमारे पास 60 सेकेंड, उसका 1 पार्ट की बात कर रहा, तो 1 पार्ट में कितना हो जाएगा, 10 ही सेकेंड तो हो जाएगा अगर हम 6 से डिवाइड करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड। तो टोटल कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, 29 मिनट 10 सेकेंड, इतनी एनर्जी को रिड्यूस करने में, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, अ मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड इज इमर्स्ड इन
100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे कह रहा है द फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब दोनों को मिला के जो फाइनल टेम्परेचर आना है वो कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, ये हमको बताना है, और अज्यूम दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवेन है जो है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग नोट कर लें जो भी चीज़ें गिवेन हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो मास ऑफ मेटल दिया हुआ है, मास ऑफ मेटल, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि एम एस लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना गिवन है 50 ग्राम। उसके बाद आ जाओ तो टेम्परेचर ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ मेटल, इसको भी टी एस लेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 150 सेंटीग्रेड है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि चेंज कर लेते हैं अपने केल्विन में, तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 273 में जो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू होता है उसको ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 273 प्लस 150, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 7 5 12 हो जाएगा 213 314, ये इतना केल्विन आ गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग मास ऑफ वाटर पे, मास ऑफ वाटर, इसको हम लोग एम डब्ल्यू लेट कर लेते हैं, ये कितना गिवन है, ये गिवन हम लोगों को 100 ग्राम। ठीक है, फिर आ जाओ उसके बाद टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं टी डब्ल्यू, कितना है ये 11 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी हमको क्या करना है, चेंज कर लेना, तो ये हो जाएगा 273 प्लस 11 दैट इज 284 केल्विन। ठीक है, और फाइनल जो टेम्परेचर है उसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर, इसको हम लोग क्या रख लेते हैं कि भाई फाइनल टेम्परेचर है, दोनों का मिला के फाइनल टेम्परेचर होना है ना, तो इसको हम टेम्परेचर टी ही लेट कर लेते हैं। क्लियर, ये कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड आना, दैट मींस 273 में हम लोग क्या करेंगे 20 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 293 केल्विन। क्लियर, ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है वाटर का, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग सी लेट करते हैं, और वाटर हमारा तो सी डब्ल्यू लेट कर लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम दिया हुआ ना, पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि मेटल का फाइंड करना, तो इसको हम लोग क्या करें कि सी एस कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो एक लॉ है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर है, ये कहता है कि स्पेसिफिक, या फिर कह सकते हो कि एनर्जी गेन बाय वाटर, यहाँ पे लिखो कि एनर्जी गेन बाय वाटर इज इक्वल टू होता है एनर्जी लॉस बाय द मेटल। ठीक है, ये दोनों, ये क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर आएगा। क्लियर, अब अगर हम लोग बात करें एनर्जी गेन बाय द वाटर, तो अगर हम लोग एनर्जी गेन की या फिर रिक्वायर्ड एनर्जी की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा एम सी डेल्टा टी। क्लियर, अब देखो
कि भाई अगर हम लोग बात करें तो इधर हम लोग वाटर का रखते हैं, वाटर का मास कितना गिवेन है, और वाटर का मास है हमारे पास 100, तो इसको हम 100 कर लेंगे इनटू वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 है, ठीक है, इनटू और वाटर का जो चेंज इन टेम्परेचर है, अगर हम लोग बात करें तो वाटर का टेम्परेचर ऑफ वाटर 243 है और जो फाइनल टेम्परेचर आना वो 293 है, तो हम क्या करेंगे 293 से 284 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, डायरेक्टली यहाँ माइनस कर लेते हैं कि 293 से और 284 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चेंज इन टेम्परेचर कितना रख देंगे, 9। फिर उसके बाद आ जाओ मेटल साइड पे, तो मेटल का जो मास है वो कितना है, 50 ग्राम है, इनटू मेटल का स्पेसिफिक कैपेसिटी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा Cs इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका, मेटल का इनिशियल क्या था 423 था और जो फाइनल लाना है वो 293 लाना है ना, तो यहाँ पे हम 423 से 293 को माइनस कर देंगे, 3 में से 3 माइनस होगा 0 बचेगा, 12 में से 9 माइनस होगा तो 3 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ जाएगा इनटू 130। अब आगे चलते इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमको फाइंड करना, बाकी सारे टर्म्स को इधर लेके आते, तो ये हो जाएगा सी एस इज इक्वल टू 100 इंटू 4.2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 130, क्लियर। अब देखो यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये हम लोगों का आ जाएगा अब सी एस इज इक्वल टू 4 9 2 18, 9 4 36, और 36 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37, 1 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, और अगर इसकी बात करें तो 13 5 होता है 65, ऊपर से अगर हम डेसिमल हटा लें तो ये हो जाएगा 378/650, क्लियर। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो सी एस आ जाएगा 0.5815, क्लियर। ये हम लोगों का आ जाएगा क्या, जूल पर ग्राम पर केल्विन, क्लियर। तो पूछा क्या है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल बताना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, तो वो हमारा आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल कितना, 0.5815 जूल पर ग्राम पर केल्विन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ बीकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू इट। मतलब कहने का कि अगर 45 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसको कूल करना है, तो उसमें क्या करना है, 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड को ऐड किया जा रहा, मतलब कि 50 ग्राम कॉपर को 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ऐड किया जा रहा, ठीक है। द कॉन्टेंट्स आर स्टर्ड टिल द फाइनल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और जो हमारा कॉन्टेंट दोनों है उनको को मिला के स्टिर किया जा रहा, घुमाया जा रहा या हिलाया जा रहा, और कब तक हिलाया जा रहा, जब तक वो फाइनल टेम्परेचर पर नहीं पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। आगे कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, और हमें वही कैलकुलेट करना जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है, क्लियर। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.39 जूल पर केल्विन, जूल पर के पर ग्राम पर केल्विन, एंड एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ जो हमने लिखा नहीं, वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, क्लियर। आगे कह रहा है स्टेट द अजम्पशन यूज, और कौन सा अजम्पशन यूज़ कर रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग नोट कर लें कि भाई गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले मास ऑफ वाटर दिया है MW, कितना गिवन है 45 ग्राम, देन उसके बाद टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ वाटर यहाँ पे इसको कर लो इनिशियल, कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 में हम लोग क्या करेंगे 50 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से केल्विन में ये कितना आ जाएगा 273, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3, और उसके बाद ये हो जाएगा हम लोगों का 7 5 7 और 5 12, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 2 1 3, ठीक है, 223 केल्विन हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे,
हीट कैपेसिटी पे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं हम लोग फाइनल टेम्परेचर की, यहाँ बात कर लें तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर TWF कितना है ये हमको लाना है, मीन्स बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि TF हमको बताना है। क्लियर। फिर आ जाते हैं हम लोग मेटल पे या फिर हमारा जो कॉपर है, तो सबसे पहले मास ऑफ कॉपर कितना गिवन है, ये हमारे पास है, कॉपर को CU कर लो। ठीक है, मास ऑफ कॉपर हमारे पास है 50 ग्राम। देन उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉपर के टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ कॉपर कितना गिवन है, इसको इनिशियल कर लो, ये हमारे पास है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 273 में हम लोग 18 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 8311 का 1 हो जाएगा और 718819 हो जाएगा एंड 2 केल्विन। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना आ गया, 291 केल्विन। क्लियर। और उसके बाद आ जाए हम लोग तो स्पेसिफिक हीट, मतलब सी दिया हुआ किसका, कॉपर का, ये हमारे पास कितना, 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, और हमें इसका भी क्या, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TF ऑफ कॉपर, तो इसको हम लोग TF ही रहने देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यहां पे क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट रिलीज। ठीक है, जितना वो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है और जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब हीट एब्जॉर्ब की बात करें, यहाँ पे वाटर कर लो और यहाँ पे मेटल कर लो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इस पे वाटर पे, तो वाटर का मास, अब हीट एब्जॉर्ब क्या होता है हमारा, MC∆T है ना, MC∆T ये भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा MC∆T। तो M हमारे पास वाटर का कितना है, 45 इंटू सी कितना है वाटर का, सी है 4.2। क्लियर, इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो एक चीज़ देखो कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हम लोग करेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर हम लोगों के वाटर का कितना, TF। ठीक है, तो इसको हम लोग TF माइनस कितना कर लेंगे, 323। ठीक है, इज इक्वल टू, इस पे आ जाओ तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ जो है कॉपर, मास ऑफ कॉपर है 50 ग्राम इनटू ग्राम, ना लिखो दोनों में सेम है, हट गया है वो। उसके बाद आ जाते हैं सी कितना है, तो सी इसका दिया गया 0.39 इनटू, फिर आ जाओ अब चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर TF माइनस इनिशियल, इनिशियल इसका कितना है 291 केल्विन। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये हमारा होता है इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये हो जाएगा 291 माइनस एफ सॉरी टी फाइनल टेम्परेचर F। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 टू ज़ा होता है 90 का 0 हो जाएगा और 45 फोर ज़ा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 45 इंटू 4, 4 5 ज़ा 20 का 0 और 4 फोर ज़ा 16, 16 इंटू 18। क्लियर, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 180। अब वन डिजिट पर डेसिमल लगा, तो वन डिजिट पर डेसिमल लगा लेंगे इसको, इंटू डेसिमल यहाँ से हटा देते हैं, इंटू ये हो जाएगा TF माइनस 2323 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पहले लगा लो, 5 9 ज़ा 45 और 5 3 ज़ा 15, 15 4 19,
टू डिजिट पर डेसिमल है तो यहाँ पे हम टू डिजिट पर डेसिमल लगा लेंगे इनटू 291 माइनस टी फाइनल। क्लियर। अब क्या करते हैं, हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 180 टी एफ माइनस ब्रैकेट में कर लो 323 इनटू 180। इधर भी वही कर लो कि भाई ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 291 इंटू 19.50 और माइनस ये हो जाएगा हम लोगों का 19.50 टी एफ। ठीक है, अब इसको इस तरफ लेके जाते हैं, मीन्स कि ये नंबर इधर लेके जाते हैं और ये नंबर इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 180 टी एफ, ये हो जाएगा 180 टी एफ प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 19.50 टी एफ इज इक्वल टू, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 291 इंटू 19.50 और ये प्लस हो जाएगा 323 इंटू 180। क्लियर। अब उसके बाद अगर यहाँ से हम टी एफ को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा हम लोगों का टी एफ, ये हो जाएगा 180 प्लस 19.50। अब इधर देखो ये मल्टीप्लाई में तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को ले जाके इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 291 इंटू 19.50 प्लस 323 इंटू 180 टोटल का डिवाइडेड बाय जो ये नंबर है हमारा कितना 180 प्लस 19.50। यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो टी एफ मतलब टेम्परेचर फाइनल जो होगा वो इतना आ जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो भी इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, वहाँ से फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा जो हमको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।